हेलो प्यारे आर ए व्यूवर्स यू आई होप ऑल ऑफ यू आर ऑसन लेट्स विगेन आर टॉपिक दैट यू दैट यू वॉचिंग राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू ओके देखो जैसा कि आप देख रहे हैं अगर ये uh, ये चैप्टर नंबर एट चैप्टर नंबर एट है स्टेट एग्जीक्यूटिव गवर्नर हाँ कैबिनेट वाला है और मुख्यमंत्री हाँ uh, चीफ मिनिस्टर इनसे रिलेटेड ये चैप्टर है ओके चैप्टर नंबर एट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक का है चैप्टर नंबर एक इसका फर्स्ट पार्ट पहले ही अपलोड कर दिया कर दिया है ये सेकंड पार्ट है जो आप अभी देख रहे हैं अगर आप इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप इसके फर्स्ट पार्ट को भी देख सकते हैं और फर्स्ट पार्ट को देखने के साथ साथ इस बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान से रिलेटेड इफ़ यू वॉन्ट टू नो अवर कॉन्स्टिट्यूशन कि विच काइंड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन एंड विच काइंड ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज इट्स प्रोवाइड तो यू कैन वॉच ऑल द वीडियोज़ ओके और सिंपली हिंदी में ही है अगर आपको तो आपको वैसे भी ज़्यादा परेशानी नहीं होती होगी आप अगर सिंपली समझना भी चाहते हैं ओके okay? तो अब इसका जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने यहाँ तक कवर कर लिए थे जो हम किसके बारे में पढ़ रहे थे हम इसके गवर्नर के बारे में पढ़ रहे थे और गवर्नर की जो पावर्स एंड फंक्शंस हैं वो हमने कवर करना स्टार्ट करा था तो गवर्नर की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं वो हमने कवर कर ली थी ये सेकेंड नंबर की लजिस्लेटिव पावर्स हैं इनको हम स्टार्ट कर रहे हैं कि विच काइंड ऑफ लजिस्लेटिव पावर्स गवर्नर हैव दू अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन तो हम ये इसमें पढ़ने वाले हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं क्या देख रहे हैं जो लिखा है वही देख रहे हैं और क्या देख रहे हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है कि भाई लेजिस्लेटिव किस तरीके की कि वैधानिक देखो वैधानिक मीन्स वैधान वही जो संविधान के अकॉर्डिंग जो देखो, देखो वैधानिक चीज़ें भी उसे बोल देते हैं मतलब विधान विधान नियम कानून बनाने से रिलेटेड जो पावर्स हैं उनको वैधानिक शक्तियाँ बोला जाता है ओके तो देखो फर्स्ट क्या दे रखा है कि विधानसभा का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है आप अगर पॉलिटी पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग से अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटी है तो आपको पता होगा कि भाई पाँच साल के बाद हर पाँच साल बाद चुनाव होते हैं ना तो ये जो विधानसभा होती है देखो विधानसभा कहाँ पे ये स्टेट लेवल की बात हो रही है तो स्टेट लेवल की जो विधानसभा होती है जिसमें मुख्यमंत्री और भी मंत्री मंत्री जो राज्य मंत्रीज होते हैं वो शामिल होते हैं इसमें जिन्हें वो बोला जाता है विधायक बोला जाता है न? एम एल एज जो होते हैं है ना एम uh, पीज़ होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के और ये एम एल एज होते हैं ये स्टेट लेवल में जो ये विधानसभा होती है ना उसके मेंबर्स होते हैं विधायक जिन्हें बोला जाता है ओके पाँच वर्ष का होता है उनका कार्यकाल पाँच वर्ष के बाद ही फिर नए चुनाव होते हैं लेकिन राज्यपाल को किस तरीके की पावर है राज्यपाल को आर्टिकल्स वन सेवेंटी फोर संविधान के अनुच्छेद एक सौ चौहत्तर के भाग दो के अंतर्गत उसे क्या पावर दी गई है कि भाई वो क्या कर सकता है पहले ही पाँच साल पूरे होने से पहले ही विधानसभा को वो डिजोल्व कर सकता है ना, पाँच साल पूरे होते ही क्या कर सकता है राज्यसभा को भंग कर सकता है राज्यपाल के लिए यह मतलब परंतु अच्छा ठीक है वो भंग कर सकता है राज्यपाल के लिए यह आवश्यक है कि वह छः वर्ष में देखो सबसे पहला पॉइंट क्लियर हुआ आपको तो इसको पॉइंट नंबर वन यहाँ पर ख़त्म होता है और सेकंड पॉइंट आप अगर इसी का अगर ज़्यादा पॉइंट्स बनाना चाहो ना तो यहाँ से आप सेकंड पॉइंट भी स्टार्ट कर सकते हैं क्यों क्योंकि तो ये एक अलग मीनिंग दे रहा है इसका कि भाई जो राज्यपाल है राज्यपाल जो ये मेंबर्स होते हैं में, ना मैम किसके मेंबर्स ये अधिवेशन बुलाने का भी उसे क्या होता है अधिवेशन बुलाने का अधिकार दिया हुआ है कि भाई जो ये विधानसभा है विधानसभा के जो मेंबर्स हैं दो तरीके की होती है ना कहीं कहीं पर मतलब किसी किसी राज्य में विधानसभा और और विधान परिषद ओके और बहुत कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर ये विधान परिषद नहीं होता कहीं कहीं पर, पर विधान परिषद है कहीं कहीं पर नहीं है ओके जो बड़े स्टेट है ना जैसे बड़े बड़े राज्य हो गए जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन है जिनको सही तरीके से मेंटेनेंस नहीं हो पाता तो वहाँ पर विधान परिषद की भी वो बनाई हुई व्यवस्था करी हुई है लेकिन जिन स्टेट में सही से प्रशासन चल जाता है ये विधान जो ये विधानसभा है विधानसभा के जरिए ही पूरा शासन चल जाता है तो फिर वहाँ पर विधान परिषद नहीं बनाते जहाँ पर होती है तो वहाँ पर जो ये रा, रा, राज्यपाल हैं राज्यपाल क्या करते हैं हर छः महीने के अंदर जैसे आज चुनाव हो गए शपथपत हो गई बस यहाँ से काम स्टार्ट हुआ तो नेक्स्ट ये जो छः महीने छः महीने के अंदर अंदर उसे क्या करना होता है एक बैठक बुलानी होती है दोनों सदनों की दोनों सदनों के जो सदस्य हैं उनको बैठक बुलानी होती है ठीक है और फिर मतलब एक साल है एक साल में दो बार बैठक करने कंपल्सली होते हैं मतलब कंपल्सली हम बहुत ज़्यादा जबरदस्ती थोपा वाला नहीं लेकिन ये मैंडेट्री हो, होता है कि भाई ऐसा करना ही चाहिए ओके ताकि वो डिस्कसन कर सकें क्यों करना चाहिए मतलब जैसे अगर ये सबको बुला रहा है क्यों बुला रहा है ऐसे थोड़ी ना वहाँ पे थोड़ी ना कुछ उन्हें कीर्तन करने बैठ के हाँ बुलाया जा रहा है दोनों को तो मतलब कि भाई आपस में डिस्कशन हो किस तरीके रूल रेगुलेशन बने हैं या देश में क्या चल रहा है राज्य में क्या चल रहा है और किस तरीके के कानूनों की या किस तरीके के लॉज की आज के टाइम पर नीड है उसके अकॉर्डिंग हाँ नए नए कानून के लाने हैं तो उन सब पर डिस्कशन इनका आपस में होता है तो उस सब के लिए ये साल में दो बार इकट्ठे दोनों सदनों का एक साथ अधिवेशन बुलाते हैं तो ये एक पावर उन्हें दी हुई है बुलाने की ओके okay, सेकंड क्या होता है कि राज्यपाल को यह अधिकार होता है कि वह आम चुनाव के बाद बात देखो वही है आम चुनाव के बाद क्या विधान का अधिवेशन बुलाए और उसके सामने नीति और भावी कार्यक्रम का वर्णन करें मीन्स क्या मतलब वो एक तरीके से गाइड क्या करता है एक तरीके से गाइडेंस देता है कि भाई जैसे हमारा मतलब कुछ भी ले लो किसी किसी बच्चे का वो ले लो कोई बच्चा है नया नया, नया बच्चा है वो स्कूल गया या कॉलेज गया या कहीं पर गया उसके लिए तो वो माहौल जैसे फर्स्ट टाइम जा रहा होता है तो एकदम नया नया होता है उसे कुछ तो पता होता नहीं है अगर मान लो हम वैसे बात करें कि भाई Uh, कोई स्कूल बच्चा है, है स्कूली बच्चा है अब उसका एडमिशन कॉलेज में हुआ तो उसे कॉलेज लाइफ का मतलब कॉलेज के रूल रेगुलेशन का कुछ वैसे पता नहीं होता ना तो फिर ओरिएंटेशन होता है फिर ऑरटेशन में क्या ये सब मतलब रूल रेगुलेशन या किस तरीके का रहन सहन होगा कॉलेज में वो सब बताया जाता है बच्चों को हाँ तो फिर उससे वो सारे अवेयर हो जाते हैं फिर उन्हीं रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पर वही बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई जैसे अब कोई भी विधान विधानसभा है मतलब कोई भी पार्टी है वो जीती तो विधान पालिका बन गई वो विधानसभा जो है उनको क्या करता है बुलाता है और सारे कार्यक्रम के भी किस तरीके की नीति वीति करोगे तो उनसे थोड़ा डिस्कशन करता है एक तरीके से मतलब वही एक मतलब बात ही होती है नॉर्मल सी बात बात करता है तो ये वही कि भाई आने वाले किस तरीके के कार्यक्रम होंगे ये सब मतलब आपस में बात वो उन्हें सुझाव देता है एक तरीके से ले लो या कुछ ओके okay. अब थर्ड पॉइंट क्या है कि भाई राज्य विधानमंडल को बिल पास करता है मतलब जो जैसे जैसे हमने उनमें उस वाले में पढ़ा था ना प्रेसिडेंट वाले में पढ़ा था कि भाई जो विधानमंडल है जो विधानमंडल मीन्स तो मंडल मतलब मंत्री मंडल विधान मंडल नहीं मंत्रिमंडल है जो ना मंत्रिमंडल में कह लो या परिषद कह लो या सांसद कह लो सिंपल से क्या बोलो सांसद संसद में सांसद नहीं संसद संसद में मतलब पार्लियामेंट में या पार्लियामेंटेरियन के द्वारा पार्लियामेंट में पार्लियामेंटेरियन के द्वारा जो भी बिल बिल पास किया जाता है ठीक है कोई भी जो मेजॉरिटी पार्टी है मेजॉरिटी पार्टी मीन्स जो सत्ताधारी पार्टी है जो पावर वाली पार्टी है जिसको पावर दी हुई है जो पार्टी जीती वाली पार्टी है वो अगर कोई बिल ला रही है हाँ सभा में संसद में ला रही और उस बिल को पास किया जा रहा है तो वहाँ से पास होने के बाद लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में जाता है राज्यसभा से पास होकर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है ना प्रेसिडेंट तो फिर उस पर अप्रूवल अपना मतलब अप्रूवल मतलब अपनी स्वीकृति देते हैं कि उन्हें उन्हें भी एक राइट दिया हुआ है कि वो उसको स्वीकार भी कर सकते हैं साइन कर दिया स्वीकार हो गया और वो उसे वापस भी भेज सकते हैं कि भाई इसमें कुछ ये गड़बड़ दिख रही है ये पॉइंट्स सुधारने चाहिए तो वापस भेज सकते हैं फिर वो उसको संसद फिर से उसने सुधार दे या क्या सकता है कर सकता है एक वीटो पावर भी उन्हें दी होती है जिसके अकॉर्डिंग पॉकेट सॉरी वीटो एक पॉकेट पावर जैसी होती है कि भाई पॉकेट पावर दी होती है कि उसमें क्या करते हैं वो कि वही जो भी विल या जो भी आ, वो पास होकर गया लॉ पास होकर गया उनके पास वो क्या करते हैं बस वो रख लेते हैं ना तो वो वापस भेजते हैं ना ही आ, उसे उस पर स्वीकृति देते हैं अपने पास रख लेते हैं बस एक पॉकेट में रख लिया बस हो गया तो इस तरीके की पावर्स प्रेसिडेंट को दी होती हैं ऐसी सेम टू तो सेम पावर्स यहाँ पर गवर्नर को हैं कि भाई अगर विधान ये जो विधानसभा है स्टेट लेवल की जो विधानसभा है यहाँ पर अगर कोई भी बिल पास हो रहा है तो वो स्वीकृति के लिए लास्ट स्वीकृति कहाँ से मिलेगी अंतिम स्वीकृति उसे वहीं से लेनी पड़ेगी कहाँ से जो गवर्नर है गवर्नर के पास वो बिल पास होकर जाएगा जब गवर्नर उस पर अपने सिग्नेचर देंगे या अपनी स्वीकृति देंगे तब वो बिल एक बिल बनेगा समझिए अगर वो तो उनको भी तो यहाँ पे यही है कि भाई कोई भी बिल पास होता है तो वो क्या कर सकते हैं उनके पास जाएगा वो उसे स्वीकृति भी दे सकते हैं पुनर्विचार के लिए भी भेज सकते हैं पुनर्विचार मीन्स वापस से भेज दें और कह दें कि एक बार आप इसको फिर से देखिए और या अपने पास भी रख सकते हैं इस तरीके की पावर दी हुई है और लेकिन एक एक कंडीशन है कि अगर कोई धन बिल जाता है धन बिल मीन्स धन से संबंधित तो कोई बिल अगर पास हुआ है कहाँ पे ये विधानसभा में तो उस बिल को वो नहीं भेज सकते वापस पुनर्विचार के लिए कि आप दोबारा विचार करिए ये वो क्योंकि देखो धन बिल जो होते हैं वो पैसा जो होता है पैसे से रिलेटेड जो बिल होता है वो ऐसे थोड़े ना बना देते हैं उस पर काफ़ी मेहनत मतलब मेहनत के काफ़ी विचार विमर्श करे जाते हैं सभी एक्सपर्ट्स के द्वारा फिर कहीं जाके वो बिल तैयार करे जाते हैं तो इसलिए वो एक उस तरीके की परंपरा से होती है कि भाई जब उसको इतना गहन जांच पड़ताल के बाद बनाया गया है तो आप उसको वापस पुनर्विचार के लिए फिर से भेज दें तो वो ठीक नहीं माना जाता तो वो नहीं भेजते ठीक है तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट की बात करें तो जिन राज्यों में द्विसदनीय विधान पालिका देखो मैंने बताया ना द्विसदनीय विधान पालिका मीन्स क्या जिन जिन राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद विधानसभा एंड विधान, विधान परिषद देखो अभी यहाँ पे जिन जिन राज्यों में बोला है तो मीन्स अभी मैंने स्टार्टिंग में जो एक्सप्लेन करा वही चीज़ है यहाँ पर कि भाई हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर विधान परिषद की ज़रूरत पड़ती है और जहाँ पर विधान परिषद नहीं है ओके मीन्स जो बड़े बड़े हैं जैसे हमने हम माने कि भाई उत्तर प्रदेश हो गया और एम पी हो गए एम पी हो गए क्या मतलब एम पी हो गया मध्य प्रदेश और मतलब बड़े बड़े स्टेट्स हैं जहाँ पर कंट्रोल करना या जहाँ पर थोड़ी जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर ये विधान परिषद होती है जहाँ पर ज़रूरत नहीं होती वहाँ पर सिर्फ़ एक ही विधानमंडल ही होते हैं तो यहाँ पर इसलिए जिन जिनद जिन राज्यों में दूसरी विधान होती है तो, तो वहाँ पर जो वहाँ पर ऊपरी सदन ऊपरी सदन मीन्स विधान परिषद जैसे वो होता है ना सेंट्रल लेवल पर राज्यसभा ऐसे स्टेट लेवल पर विधान परिषद के कुछ सदस्यों को राज्यपाल क्या कर सकते हैं राज्यपाल सामाजिक सेवाओं और योग्यताओं के आधार पर मनोनीत कर सकते हैं मनोनीत कर सकते हैं मीन्स क्या ऐसी राज्यसभा में भी जो लोकसभा है लोकसभा में दो सदस्य मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया हुआ है और राज्यसभा में बारह सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार दिया हुआ है ऐसे सेम टू सेम कुछ ये जो विधान जो मतलब जिन राज्यों में विधान परिषद होती है राज्य स्तर पर आप देखो कन्फ्यूज नहीं होना अगर कन्फ्यूज़न हो रही है तो फिर से आप इसको वापस लेकर जाइए वो जो होता है ना उसको वापस लेकर जाइए फिर से ध्यान से सुनिए आपको स्टेट और सेंट्रल दोनों तरीके की चीज़ें समझा रही हूँ तो आप ध्यान से सुनिए ओके okay, तो कंफ्यूज में तो ना अगर फिर आप वो वाला वीडियो भी देख लेना अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह जाता है तो जो उससे रिलेटेड है ना सेंट्रल uh, लेवल से रिलेटेड है तो आप उसको भी देख लेना तो और चीज़ें क्लैरिफाई होंगी आपको तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर यहाँ पे कह रहा है कि जिन राज्यों में क्या होता है कि द्वि सदनी मीन्स ये देखो सेंट्रल लेवल पर क्या है लोकसभा राज्यसभा स्टेट लेवल पर क्या है विधानमंडल विधान परिषद ओके सेंट्रल लेवल पर प्रेसिडेंट है स्टेट लेवल पर राज्यपाल है मीन्स गवर्नर है यहाँ पर क्या होता है कि भाई यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो लोकसभा में दो सदस्य मनोनीत करते हैं मीन्स ऐसे ही ऐसे ही मतलब बिना चुनाव उनका चुनाव नहीं होता ऐसे कोई भी एक्सपर्ट हो गया या कोई फेमस पर्सनैलिटी हो गई उनको नियुक्त कर देता कि आप यहाँ के सदस्य हैं और ऐसी जो राज्यसभा है राज्यसभा में बारह सदस्य नियुक्त करते हैं ऐसी सेम टू तो सेम गवर्नर ऑल्सो हैव सिमिलर राइट लाइक द प्रेसिडेंट ही हैव द राइट टू क्या अपॉइंट द अपॉइंट सम क्या अपॉइंट सम मेंबर्स या ऐसी विदाउट uh, इलेक्शन के इन विधान परिषद समझ रहे हो विधान परिषद में मनोनीत करने के राइट होते हैं क्योंकि इसमें देखो ज़्यादा है ना बारह सदस्य तो ऐसे इसमें भी कुछ राइट्स होते हैं कि वो मनोनीत कर सकते हैं ओके आई होप आपको क्लियर हो रही होंगी चीज़ें ना, ना हो रही हो तो दोबारा ना हो रही हो तो दोबारा देख लेना और क्या हो जाएंगे लेकिन आप ये ध्यान से सुनोगे तो आपको पक्का होंगी चीज़ें क्लियर ओके और फिफ्थ पॉइंट जब राज्य की विधानसभा का अधिवेशन ना हो रहा हो तो अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं जैसे हमने प्रेसिडेंट के, के केस में क्या पढ़ा था वहाँ पर हमने प्रेसिडेंट के, के केस में किया था कि भाई आ, क्या किया था हमने कहा था कि भाई जैसे इमरजेंसी टाइम पीरियड होता है ना जिस स्टेट में एमरजेंसी लागू होती है आ, तो क्या मतलब एमरजेंसी लागू होती है तो जो ये होते हैं ये काम तो कर नहीं रहे होते हैं जो राज्य सरकारें वहाँ पर काम तो सही नहीं हो रहा होता उस पोअर्स पावर्स दूसरे के हाथ में हो रही है और उस टाइम पीरियड में एमरजेंसी टाइम पीरियड में अगर किसी कानून की ज़रूरत है कि भाई ये चीज़ ऐसे हो जाए और जल्दी से कोई तो उस टाइम पीरियड में जो प्रेसिडेंट होते हैं जो राष्ट्रपति होते हैं वो क्या करते हैं एक अध्यादेश लाते हैं अध्यादेश लाकर मतलब कोई भी कानून है उसको अप्रूव्ड कर देते हैं कि भाई हाँ ये कानून हो गया ना किसी भी चीज़ को जो जो क्या जो उस टाइम पीरियड के लिए बहुत ज़रूरी है बहुत ज़रूरी है कि भाई ये कानून होना चाहिए तो झट से इसको अध्यादेश लाए और कानून बना दिया और फिर जब वो उस फिर एमरजेंसी जब थोड़ी ख़त्म होती है फिर लोकसभा में जल्दी से इसको फिर पास करते हैं सेम टू सेम यहाँ पर यही कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई अगर इमरजेंसी टाइम पीरियड है कुछ आ, कुछ अमरजेंसी का टाइम पीरियड है तो उस टाइम पर क्या करते हैं जो ये गवर्नर है गवर्नर अध्यादेश लाते हैं अध्यादेश कुछ नहीं होता एक अमरजेंसी टाइम पीरियड का कानून होता है उसको अध्यादेश कर देते हैं फिर बाद में उसे पास भी करवाना होता है अगर पास नहीं होता तो फिर वो कानून रद्द हो जाता है ठीक है तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि पाल अध्यादेश लाकर कानून बना देते हैं और फिर उसको फिर क्या करना होता है कि विधानसभा द्वारा पास करवाना होता है कानूनी मान्यता उसे तभी मिलती है नहीं तो अगर नहीं मिलती अध्यादेश अगर वो अगर वो कानून पास नहीं हो पाता तो फिर उसे निरस्त कर दिया जाता है फिर वो पास नहीं हो पाता ओके बस यही यहाँ पर दिया हुआ है और कुछ है नहीं अगर छः छह सप्ताह के अंदर विधान मंडल उसी उसकी पुष्टि ना करे तो वह अध्यादेश समाप्त हो जाता है देखो वही बात है जो मैंने आपको बताई है चलो फिर नेक्स्ट देख लेते हैं ओके सिक्स्थ पॉइंट क्या बोलता है राज्यपाल को राज्यपाल को अनुच्छेद एक के अंतर्गत राज्य सरकार के काम को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए और उस उस काम को उस काम को क्या मंत्रियों में बांटने के लिए नियमों का निर्माण करने का अधिकार है आर्टिकल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल क्या वन सिक्सटी सिक्स आर्टिकल है जो अनुच्छेद है हमारा संविधान का उसके अकॉर्डिंग गवर्नर हैव द राइट टू क्या मतलब काम चलाने के लिए ही हैव द राइट टू मेक सम रूल्स एंड रेगुलेशन किस लिए ताकि जो ये गवर्नमेंट है गवर्नमेंट सही से काम कर सके इसको कुछ अधिकार दिए हुए हैं गवर्नर को कि वो क्या सही कुछ कानून बना दें ताकि कुछ नियम कानून बना सकते हैं कि अगर ताकि सरकार सही से काम करे ओके बयालीसवें संशोधन में क्या हुआ था कि अंतर्गत यह व्यवस्था की गई थी कि कोई भी न्यायालय उन नियमों को अपने सामने पेश करने की मांग नहीं कर सकता मीन्स न्यायालय नहीं बोल सकते न्यायालय मीन्स क्या कोर्ट्स जो होते हैं कोर्ट्स ये नहीं कह सकते कि आप क्या करिए क्या करिए मतलब जो भी नियम वियम है मतलब देखो गवर्नर ने जो भी कानून बनाए हैं जो भी कानून ने जो नियम बनाए हैं कि राज्य ये जो सरकार है सही से काम करे तो उन कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती मतलब न्यायालय में जाकर उनके खिलाफ मुकदमा नहीं दायर किया जा सकता ये बात कह रहे हैं ओके और सिक्स पॉइंट क्या बोलता है सेवन्थ पॉइंट बोलता है कि राज्यसभा राज्यपाल राज्यपाल विधान परिषद के राज्यपाल विधान परिषद के सभा विधान परिषद के सभापति या उपसभापति के मतलब देखो ये जो विधान परिषद होती है उसका सभापति हो गया सभापति मतलब जो लीड करता है उसको मतलब जो अध्यक्षता अध्यक्ष होता है बैठक होती है उसकी अध्यक्षता जो करता है या उपर उपसभापति होगी जो हाँ अगर उनकी जो जगह उनकी जो पोस्ट हैं वो अगर खाली हैं तो वो किसी भी व्यक्ति को सभापति बनाकर या मतलब एक अध्यक्ष बनाकर उस गति पर उस सीट पर बैठा सकते हैं अध्यक्षता के लिए ये गवर्नर को अधिकार होता है और कोई नहीं बना सकता गवर्नर कर सकते हैं ओके आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा लेजिस्लेटिव वाला कि, कि किस तरीके की पावर्स हैं लेजिस्लेटर पावर्स किस तरीके की हैं उसकी गवर्नर की अभी थर्ड पॉइंट क्या है थर्ड पॉइंट है फाइनेंशियल पावर्स फाइनेंशियल पावर्स मीन्स पैसे से रिलेटेड चीज़ें क्या हैं देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है राज्यपाल की सिफारिश के बिना कोई भी धन विधेयक विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता जैसा हमने राष्ट्रपति के, के केस में पढ़ा था कि भाई जो पैसे से संबंधित कोई भी केस है सॉरी पैसे से संबंधित कोई भी बिल है या कोई धन विधेयक है वो क्या है वो उसको जब तक मतलब पहले पेश करने से पहले ही सभा में पेश करने से पहले ही राष्ट्रपति से राष्ट्रपति से बात करना होता था ऐसे यहाँ पर राज्य स्तर पर क्या गवर्नर से बात करनी है गवर्नर से बात करके सिफारिश मतलब बातें बाते करके फिर उस उस बिल को आप सभा में पेश करिए ओके तो ये एक वैसी चीज़ है कि पूछना है एक तरीके से बात करनी होगी डिस्कशन करना होगा पहले ठीक है और पॉइंट है वार्षिक बजट राज्यपाल वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में पेश करवाता है वार्षिक बजट वार्षिक बजट वित्त वार्षिक बजट मीन्स जो साल में एक बार बजट पेश होता है वो ये देखो दो तरीके के होते हैं एक तो एक तरीके का बजट होता है कि भाई वो पूरे पाँच साल के लिए एक डिक्लेरेशन होता है कि भाई हम इतना ये ये काम करेंगे यहाँ पर इतना पैसा ऐसा ऐसा लगाएंगे और एक हर साल बजट वाला होता है तो यहाँ पर वही कह रहा है कि हर साल वार्षिक बजट भी ये पेश करवाते हैं बोलते हैं विधानसभा से कि पेश करिए कि भाई आप कहाँ पर किस क्षेत्र में या किस चीज़ पर कितना पैसा खर्च कर रहे हैं उससे रिलेटेड आप बजट पेश करिए तो वो भी करवाते हैं ठीक है थर्ड पॉइंट राज्य की आकस्मिक निधि कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ द स्टेट वो एक मतलब एक तरीके का फंड होता है कि जो एमरजेंसी टाइम पीरियड में यूज़ करा जाता है कि वे, पर क्या है उस पर भी क्या होता है राज्यपाल का ही नियंत्रण होता है यदि संकट के मेरे संकट के समय आवश्यकता पड़े तो राज्यपाल उसमें से आवश्यकतापूर्वक आवश्यकता अनुसार व्यय कर सकता है मतलब देखो सिंपली समझो कि भाई एक जैसा हमने उसमें पढ़ा था देखो बातें सेम सारी चीज़ें वही हैं आपको बस समझना है अगर आप यहाँ पे समझ रहे हैं तो वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी आपने अगर वो चीज़ अच्छे से समझे तो ये चीज़ आपको ऐसे ही समझ में आ रही होगी ईजिली समझ में आ रही होगी तो कॉन्टीजेंसी फंड क्या होता है कि भाई जो ये है राज्य स्टेट लेवल पर हो गया या सेंट्रल लेवल पर हो गया हो गया एक फंड बनाया जाता है मीन्स एक इस तरीके का बनाया जाता है जहाँ पे पैसे रखे जाते हैं एक वो चाह पैसे रखे जाते हैं सरकार की तरफ से कि भाई अगर बीच में कभी एमरजेंसी टाइम पीरियड आता है तो उस पैसे का यूज़ करके उस एमरजेंसी को ख़त्म किया जा सके हाँ उस एमरजेंसी पर जो जिस चीज़ की नीड है आवश्यकता है उसको फुलफिल किया जा सके ओके इसके लिए वो कंटीजेंसी फ़ंड होता है तो ऐसे ही यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई राज्यसभा के में राज्य स्तर पर भी होता है तो उसका जो सारा नियंत्रण है वो किसके पास राज्यपाल के पास होता है राज्यपाल उसको देखता है कि भाई अगर एमरजेंसी है तो उसमें से पैसा निकाल कर देना है या नहीं देना और कितना खर्च करना है कितना नहीं खर्च करना वो सब का कंट्रोल इसके पास होता है इनके पास राज्यपाल के पास होता है अगर जरूरत पड़ती है तो पैसे निकाल कर दे देते हैं या तो उसको संभाल के रखते हैं ओके हाँ अब फोर्थ पॉइंट है कि भाई न्यायिक शक्तियाँ न्यायिक शक्तियाँ जुडिशियल पावर्स की विच काइंड ऑफ जुडिशियल पावर्स गवर्नर हैव अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ओके ये भी सिमिलर ही होगा कैसे सिमिलर राष्ट्रपति के जैसे जिस तरीके की थोड़ी बहुत पहला पॉइंट न्यायिक मीन्स न्याय व्याय से रिलेटेड चीज़ें ठीक है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जिस तरीके से जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और अन्य जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन राष्ट्रपति करते हैं ऐसे उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय जो होता है वो स्टेट लेवल पर होता है हुं? तो स्टेट लेवल के जो मुख्यमंत्री ये हो गए न्यायाधीश हो गए मुख्य न्यायाधीश हो गए और अन्य न्यायाधीश हो गए उनकी नियुक्ति कौन करता है राष्ट्रपति कर मतलब ये गवर्नर करते हैं राज्यपाल करते हैं ओके सेकंड पॉइंट जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति राज्यपाल ही करता है मीन्स क्या नियुक्ति उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल ही करते हैं और पदोन्नति होता है कि भाई प्रमोशन प्रमोशन वगैरह भी राज्यपाल ही करते थर्ड पॉइंट राज्यपाल यह भी देखता है कि किसी न्यायालय के पास अधिक कार्य हो तो कार्य तो नहीं है यदि है तो वह क्या आवश्यकता अनुसार अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति अगर मतलब किसी न्यायालय के पास बहुत ज़्यादा काम पड़ा है कि मतलब बहुत ज़्यादा बहुत केस आए पड़े हैं न्यायालय है बहुत ज़्यादा केस हैं केसेस हैं उसके पास और केसेस का निपटारा जल्दी से नहीं हो पा रहा है तो वो क्या करते हैं इमरजेंसी टाइम पीरियड में कुछ समय के लिए वो न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ कर देते हैं ना ज़्यादा न्यायाधीश ला देते हैं या दूसरे दूसरे न्यायालय से यहाँ पर न्यायाधीश ट्रांसफर वगैरह वो सब करवा लेते हैं तो जिससे केसों का जल्दी से निपटारा किया जा सके वो सब भी कर देते हैं ओके फोर्थ पॉइंट राज्यपाल उस अपराधी को दंड उस अपराधी के दंड को समा कर सकते हैं जो या घटा सकते हैं या कुछ समय के लिए स्थगित मतलब समाप्त कर सकते हैं कुछ समय पर तक रोक लगा सकते हैं जिसे राज्य के द्वारा मतलब जिसे जो ये अदालतें हैं अदालत के द्वारा अगर किसी व्यक्ति को दंड दिया गया है तो उस दंड को या तो वो कम कर सकते हैं या उसको समाप्त कर सकते हैं या तो कुछ समय के लिए कि भाई वो दंड स्टार्ट ना हो कुछ समय के लिए पाबंदी लगा सकते हैं तो ये तीन तरीके की पाव ये इतने ये दे रखें इस तरीके की चीज़ें दे रखें कि भाई क्या क्या कर सकते हैं पहला पार्डन पार्डन मीन्स होता है क्षमा कर देना कि भाई टोटली ही कोई अपराध है अगर कोई दंड मिला है अपराधी को दंड मिला है उस दंड से पूरी तरीके से मुक्त कर देना वो होता है पार्टन मीन्स क्षमा करना माफ़ कर देना सेकेंड पॉइंट है कि भाई कम्यूटिंग लघुकरण लघुकरण होता है कि लघु मतलब होता है कम लघुकरण मतलब कम कर देना मीन्स किसी को अगर फांसी की सज़ा दी गई है तो फांसी की सजा को वो कम कर दें तो किसमें कह दें भाई या तो उम्र कहते दे दें दे, उम्र कहते दे वो कर दें मतलब तो कम कर दिया ना अगर पचास साल की सजा है तो उसको बीस में कन्वर्ट कर दें तीस में कन्वर्ट कर दें तो वो कम कर देना या बहुत ज़्यादा हार्ड सजा है तो उसको कम कर देना वो होता है लघुकरण लघु कर देना थर्ड uh, पॉइंट है परिहार परिहार मीन्स रमीशन इसके अंतर्गत क्या करते हैं कि दंडादेश की स्वीकृति को बदलने बदले बिना उसे कम किया जा सकता है मीन्स सॉरी देखो अभी सॉरी क्या सॉरी नहीं तो दोनों में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं आप इस इस कंफ्यूजन को समझना कि भाई देखो लघुकरण का मतलब है कि भाई जैसे दंड मृत्यु दंड था मृत्यु दंड को कम नहीं किया जा सकता ना मृत्यु दंड तो मृत्यु दंड, दंड, दंड होता है तो यहाँ पे लघुकरण का मतलब हुआ कि भाई कोई भी बड़ा अपराध है उसको छोटे अपराध में मतलब छोटी सजा में बड़ी सजा है बड़ी सजा को छोटी सज़ा में कन्वर्ट कर देना और वो सजा कैन बी अदर कैन बी अदर जरूरी नहीं कि मतलब कि वही मतलब जैसे उम्र कैद की सज़ा दी गई है उम्र क़ैद की सजा को वो दस साल बीस साल ऐसे कर दें वो नहीं मतलब कुछ थोड़ा लघु कर देना कम कर देना वो होता है कि भाई बहुत ज़्यादा कठोर सजा है उसको थोड़ा कम कठोर कर देना वो होता है लघु करें और परिहार होता है कि भाई सेम सज़ा है लेकिन बस थोड़े से समय को कम कर देना हाँ समय टाइम पीरियड्स को थोड़ा कम कर देना वो होता है परिहार ये होता है लघुकरण मीन्स बड़ी कठोर सजा को थोड़ा सरल कर देना कठोर को मतलब दोनों एक दूसरे के इंटरलिंक्ड है तो आप कन्फ्यूज हो भी सकते हैं तो आप देखो देख सकते हैं कठोर सजा को कठोर सजा को क्या करना कठोर सजा को आ, सरल बना देना और सरल मतलब कैसे भी थोड़ा सा चेंज ही कर दिया हुँ? और इसमें क्या है कह रहा है कि परिहार परिहार में कह रहा है कि भाई सजा तो रहेगी एक ही सजा क्या है सजा अगर उम्र कैद की दे रखे तो सजा उम्र कैद वाली ही रहेगी बस टाइम पीरियड को थोड़ा कम कर दिया जाएगा कि भाई चलो अगर जैसे अगर उम्र कैद है तो पचास साल की कर दो हाँ अगर उसे वो खुद ही पचास साल का है तो मतलब हाँ बीस